हेलो फ्रेंड्स, जब भी बिजली जाती है तो सबसे पहले इन्वर्टर की याद आती है, क्योंकि आज बिना बिजली के जिंदगी की कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है कि आप जब भी पावर बैकअप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके घर के लिए कौन सा इन्वर्टर सही है, इन्वर्टर लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें और आपके इन्वर्टर के लिए सही बैटरी का सिलेक्शन कैसे करें, तो आइए सबसे पहले समझते हैं आपकी जरूरत। लोगों के घर अलग अलग साइज के होते हैं और इसलिए हर घर की पावर बैकअप की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। इस वीडियो में हम एक एक करके अलग अलग साइजेस के घरों की पावर बैकअप रिक्वायरमेंट को समझेंगे और फिर चुनेंगे हर घर के लिए सही इन्वर्टर ऑप्शन। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर आपके पास 1 BHK है तो आपके घर में कितनी पावर कंज्यूम होती है। 1 BHK है यानी आपके घर में एक हॉल, एक बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम है। 1 BHK में आमतौर पर जिन अप्लायंसेस का बैकअप चाहिए होता है वो है 1 TV विद सेट टॉप बॉक्स, 5 LED bulbs, 2 fans एंड 3 ट्यूबलाइट्स। आइए 1 BHK के पावर बैकअप के लिए लोड कैलकुलेशन करते हैं। आप अपनी इन अप्लायंसेस के लिए लोड की कैलकुलेशन हमारी वेबसाइट पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 1 TV विद सेट टॉप बॉक्स के लिए चाहिए 120 वॉट, 5 LED bulbs के लिए चाहिए 45 वॉट, 2 fans के लिए चाहिए 150 वॉट और 3 ट्यूबलाइट्स के लिए चाहिए 60 वॉट। 1 BHK के लिए पीक लोड रिक्वायरमेंट है 375 वॉट। तो आपके 1 BHK के लिए सही इन्वर्टर की VA रेटिंग होनी चाहिए 600 VA। 600 VA रेटिंग में सबसे सही इन्वर्टर के ऑप्शंस हैं इको वॉट नियो 700 और इको वोल्ट नियो 750। इनमें एक बैटरी लगती है और ये 384 वॉट तक के पीक लोड को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं। आइए अब चुनते हैं इन इन्वर्टर्स के लिए सही बैटरी। 5 घंटे के बैकअप के लिए चाहिए 135 AH कैपेसिटी बैटरी, 6 घंटे के बैकअप के लिए चाहिए 150 AH कैपेसिटी बैटरी, 7 घंटे के बैकअप के लिए चाहिए 180 AH कैपेसिटी बैटरी। बैटरीज भी कई प्रकार की आती हैं, जैसे फ्लैट या ट्यूबुलर। अगर आपके यहाँ पावर कट ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है तो टॉल ट्यूबुलर बैटरी चुनिए, और अगर पावर कट ज्यादा नहीं होता है तो आप फ्लैट प्लेट बैटरी चुन सकते हैं। बैटरी की कॉस्ट डिपेंड करती है बैटरी के टाइप और वारंटी पर। आइए अब देखते हैं कि आपके लिए बैटरी का कौन सा मॉडल सही रहेगा। मान लीजिए आप 36 मंथ्स की लाइफ वाली बैटरी लेते हैं तो उसके लिए सही मॉडल आप अपनी पावर बैकअप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन सकते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंट बैटरी मॉडल्स। 5 घंटे का बैकअप चाहिए तो ये बैटरी, 6 घंटे का बैकअप चाहिए तो ये बैटरी, 7 घंटे का बैकअप चाहिए तो ये बैटरी। अब तक हमने आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की उसके आधार पर 1 BHK के लिए सबसे सही इन्वर्टर है इको वॉट नियो 700 और इको वोल्ट नियो 750। इको वॉट रेंज ल्यूमिनस की नंबर 1 रेंज है, ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर रेंज है, जबकि इको वोल्ट नियो प्योर साइन वेव इन्वर्टर रेंज है। साइन वेव इन्वर्टर्स न्यू टेक्नोलॉजी है जो आपके कनेक्टेड अप्लायंसेस की लाइफ को बढ़ाता है और एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज करता है। अब जैसे हमने 1 BHK के लिए लोड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करके सही इन्वर्टर और बैटरी सिलेक्ट किया, ठीक वैसे ही आप अपने 2 BHK, 3 BHK या और बड़े घर के लिए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इन्वर्टर सिलेक्ट करने से पहले अपनी अप्लायंसेस पर रेटेड पावर कंजम्पशन जरूर चेक कीजिए, और जब आप इन्वर्टर ले लें तो जो इन्वर्टर का पीक लोड है उसकी कैपेसिटी के 80% से ज्यादा लोड ना दें। इससे आपके इन्वर्टर की परफॉर्मेंस और उम्र दोनों बढ़ेगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सही इन्वर्टर चुनने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने घर की जरूरत के हिसाब से लोड की सही कैलकुलेशन और अपने घर के लिए परफेक्ट इन्वर्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं।